हजारों साल पहले की बात है, फ्रांस में एलन नाम के राजा राज करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम रानी एलिना था। राजा एलन के पास ऐशो आराम की हर चीज उपलब्ध थी, फिर भी वे और उनकी रानी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। हे राजन, क्या हमारी जिंदगी यूं ही औलाद की चाहत में तरसते हुए बीत जाएगी? नहीं नहीं प्रिय, ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन हमारे जीवन की बगिया में फूल खिलेगा। जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ, आप हमेशा मुझे हर तरह से धैर्य देने का प्रयास करते हैं। हमारे विवाह को 7 वर्ष बीत गए हैं। अपनी सूनी गोद का दर्द अब मुझसे नहीं झेला जाता। इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा आंगन, बच्चे की किलकारी के बिना सूना सूना लगता है। प्रिय रानी, आप चिंता मत करिए, मैंने बड़े बड़े ज्योतिषों से इस बारे में सलाह मशविरा किया है। उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में संतान का सुख लिखा हुआ है, हमें बस समय का इंतजार करना होगा। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े थे, अचानक उन्हें किसी आवाज ने चौंका दिया। उनका ध्यान एक झाड़ी की तरफ चला गया। एक बड़ा सा नाग झाड़ियों में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आपने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। कृपया कर मुझे बचा लीजिए। यदि मैं जीवित रह पाया तो आपकी किसी न किसी समय मदद अवश्य करूंगा। राजा के मन में दया आ गई। वे नागराज के प्राण बचाने के लिए आगे बढ़ गए। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी सफाई के साथ नाग को झाड़ियों से बाहर निकाल कर जमीन पर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस असहाय जीव के जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटी भी लगा दी। नागराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे राजन, आप एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। आपके दया भाव और परोपकार का मैं कायल हो गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार मुझे आजीवन याद रहेगा। आप राजा हैं, मैं जानता हूँ कि आपके पास धन धान्य की कमी नहीं है, फिर भी मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताइए। हे नागराज, मुझे ईश्वर ने सभी प्रकार का सुख दिया है, लेकिन संतान सुख के लिए मैं हमेशा तरसता रहता हूँ। हे राजन, अब आप इस चिंता का त्याग कर दीजिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सही राह दिखाऊंगा। नागराज जंगल में आगे आगे चल पड़े और राजा उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर के बाद दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच गए। वहां पहाड़ पर एक छोटा सा फल का वृक्ष था। हे राजन, ये देखिए, इस वृक्ष पर एक दुर्लभ चतुर्मुखी दिव्य फल दिखाई दे रहा है। इसका रक्षक एक बहुत ही जहरीला सांप है। मैं उसे समझा लूंगा और आप उस फल को तोड़कर शीघ्र ही लेकर चले जाइए। उसे रानी को खिला दीजिएगा। भगवान की कृपा से आपको संतान का लाभ अवश्य होगा। राजा ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उस वृक्ष के जहरीले सांप ने अपना फन उठा लिया। वो राजा को डसने के लिए तैयार हो गया। नागराज बीच में आकर खड़े हो गए। हे सर्पश्रेष्ठ, राजा एलन यहाँ संतान की प्राप्ति की इच्छा से आए हुए हैं। इनका इरादा बहुत नेक है, इसलिए इन्हें ये चतुर्मुखी दिव्य फल ले जाने दीजिए। इनकी बगिया में फूल खिलेंगे और ये हमें दुआएं देंगे। वो जहरीला सांप नागराज की बात मानकर रास्ते से हट गया और राजा ने दिव्य फल को तोड़ लिया। हे राजन, अब आप इसे ले जाइए और रानी साहिबा को खिलाइए। इसके बाद इसका प्रभाव देखिए। राजा ने वो दिव्य फल ले जाकर रानी एलिना को खिला दिया। दिव्य फल ने अपना चमत्कार दिखाया और रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का पेट अधिक से अधिक फूलता चला गया। प्रिय, ऐसा लग रहा है आप बहुत तगड़ी इष्ट पुष्ट संतान को जन्म देने वाली हो। हाँ प्रियतम, मेरा पांव बहुत अधिक भारी होता जा रहा है। 9 महीने बीत गए और रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। राजा ने समुचित प्रबंध करवा दिया था। रानी ने 3 अद्भुत कन्याओं को जन्म दिया। महल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इसके बाद फिर से रानी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। प्रसव कराने वाली दाई को आश्चर्य हुआ।
रानी साहिबा, आपकी अभी एक और संतान आपके गर्भ में है, वो भी कुछ ही देर में जन्म ले लेगी। तीन बच्चियां तो पहले ही जन्म ले चुकी हैं, अब और कौन है? इसके बाद एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। रानी साहिबा, बधाई हो, आप तीन राजकुमारियों और एक राजकुमार की माता बन गई हो। राजा ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से झूम उठा। वो अपने बच्चों को देखने के लिए आया। राजा ने तीनों राजकुमारियों का नाम लीना, ईवा और एना रखा। उसने राजकुमार का नाम फ्रांसिस रख दिया। एक दिन राजा और रानी अपने चारों बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक महल में आग लग गई, चारों तरफ भगदड़ मच गई। राजकुमारी लीना ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और उसके हाथों से रोशनी निकली और आग पर जहां जहां पड़ी, आग चमत्कारिक रूप से बुझ गई। राजा, रानी और सभी लोग आश्चर्य से ये चमत्कार देखते रह गए। इस असाधारण पुत्री लीना के अंदर तो आग या किसी भी प्रकार का संकट रोकने की क्षमता है। आग ने भारी नुकसान किया है, हमारे पौधों को भी जला दिया है। दूसरी राजकुमारी ईवा ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और एक जादुई रोशनी से महल के सारे जले हुए हिस्से को फिर से पहले की तरह कर दिया। जले हुए पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होकर पूर्ववत लहराने लगे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। राजा, रानी अपनी दूसरी पुत्री का ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, हमारी ईवा के पास भी दिव्य शक्ति है। राजा एलन का राजकाज बहुत अच्छी तरह चल रहा था, उनकी प्रजा भी सुखी थी, चारों बच्चे बड़े हो रहे थे। एक बार पूरे राज्य में अकाल पड़ गया, पानी की भयंकर कमी हो गई, खेतों में अनाज नहीं हो सका, इंसान और पशु सभी के लिए समस्या पैदा हो गई। सभी लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आकाश में बादलों का नामो निशान न था। इस भयंकर अकाल ने बड़ी समस्या पैदा कर दी है, बरसात ना हुई तो अनाज की बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, पीने का पानी भी अति आवश्यक है। हे भगवान, जल वृद्धि कराओ, सबकी प्यास बुझाओ। राजा की तीसरी बेटी एना अपने पिता के पास चली आई। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, भगवान की कृपा से जल अवश्य बरसेगा, ये अकाल दूर हो जाएगा, हर तरफ हरियाली होगी और अनाज और पानी दोनों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बेटिया, चारों तरफ प्रचंड गर्मी का राज्य है, आकाश में दूर दूर तक बादलों का दर्शन भी नहीं हो रहा, अब तुम ही बताओ जल कैसे बरसेगा। इतना सुनते ही तीसरी राजकुमारी एना ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। देखते ही देखते साफ आसमान में बादलों की पूरी सेना आ गई। रिमझिम बरसात शुरू हो गई। बरखा की प्यारी फुहार ने धरती को जल से पूरी तरह से शीतल कर दिया। राजा एलन का राज्य उनकी तीनों राजकुमारियों और राजकुमार के कारण पूरी तरह से सुरक्षित था। एक पड़ोसी राजा नेल्सन ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले अपने राज्य की जादूगरनी मार्टिया को बुलवाया। मार्टिया, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलवाया है। आप हुक्म दीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। तुम किसी तरह से राजा एलन की तीनों पुत्रियों को जादू से बंदी बनाकर मेरी दासी बना दो। इसके बाद मैं आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है राजन, मैं ऐसा ही करूंगी। मार्टिया जादू की छड़ी लेकर एलन के राज्य में तीनों राजकुमारियों के पास पहुंच गई। तुम तीनों मेरे सामने बच्ची हो, आज से तुम तीनों मेरे हुक्म के गुलाम हो, अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं उठ पाएंगे। जब हाथ ही नहीं उठेंगे तो चमत्कार कैसे दिखाएंगे। मार्टिया ने दो पेड़ों में आग लगा दी। राजकुमारी लीना ने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उठा न सकी। ईवा भी असहाय हो गई, एना के भी हाथ नहीं उठ पाए। मार्टिया ने तीनों को एक पिंजरे में कैद कर दिया। इसके बाद राजा नेल्सन ने सेना लेकर राजा एलन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार फ्रांसिस तलवार लेकर मैदान में आ गया। उसने नेल्सन के हर अस्त्र शस्त्र को नाकाम कर दिया। उसने जादूगरनी मार्टिया की जादुई छड़ी को भी अपने शस्त्र से खंडित कर दिया। मार्टिया का जादू समाप्त हो गया। फ्रांसिस ने अपनी तीनों बहनों को आजाद करा दिया।
राजकुमारी मीना ने अपने दोनों हाथ उठाए और नेल्सन की सारी सेना को रोक दिया। ईवा ने जादूगरनी द्वारा जलाए गए पेड़ों को फिर से हरा भरा कर दिया। एना ने अपने दोनों हाथ उठाकर बादलों को मूसलाधार पानी बरसाने पर विवश कर दिया। सारी सेना बरसात के तेज पानी के बहाव में बहने लगी। उसके साथ राजा नेल्सन भी बह गया। अच्छे का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला हो गया। राजा एलन, फ्रांसिस और तीनों राजकुमारियों की विजय हो गई। राजा रानी अपनी चारों पुत्री और पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे।